गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैंने आप लोगों को अपने लास्ट और लास्ट टू लास्ट व्लॉग में दोनों में हिंट दिया था कि कोई आ रहा है, टिकट्स बुक करनी है, एंड आई वाज वेरी 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 एक्साइटेड एंड हैप्पी जो भी आ रहे हैं। तो या टुडे इज द डे, दे विल बी रीचिंग हियर एनी मोमेंट। आई मीन 30 मिनट्स पहले कमल ने 30 मिनट्स बोला था कि हम 30 मिनट्स में पहुँच रहे हैं, 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो दे शुड बी हियर जस्ट एनी मोमेंट। फिर मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ। आई एम श्योर अभी तक आप लोगों ने गेस कर लिया या फिर मैंने टाइटल में डाल ही दिया होगा, आई एम नॉट श्योर। अट्टू कौन आ रहा है? अट्टू फेवरेट पीपल राइट। नाश्ते में अभी फिलहाल बन रहे हैं आलू के पराठे। आटा गूंथ चुका है, आलू तैयार हो चुके हैं। क्या बात है? हाँ, कुछ नहीं खा रहे आलू। और ये मम्मी पापा के लिए चाय रख दी है। दिस रंजीत कांट कीप, क्योंकि मेरे को ही पता है वो कैसी चाय पीते हैं, मम्मी तो स्पेशली, क्योंकि बहुत चीनी पीते हैं वो। और इधर जो है कमल की कबर्ड का फाइनली काम स्टार्ट हो गया है। और ये सारे कपड़े यहाँ फैले हुए हैं, वहाँ पे कबर्ड आएगी और जब वो सेट हो जाएगी तो ये सारे कपड़े उसके अंदर चले जाएंगे। कौन आया है? हेलो, नमस्ते पापा, नमस्ते मम्मी। थक गए ना गंदे वाला? ऐटम को तो पहचान है। अट्टू कौन आया? अरे 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 दादू दादी, वो छिलंतरी को तो उन्हें अंदर ही रखा है। हाँ, मैं तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मम्मी पापा डर जाएंगे। अट्टू कौन आया, पहचान लिया? बैठो मम्मी। मिस्टर कौन है? मिस्टी आपसे डरेगी, कोई नहीं, आप टेंशन मत लो, आपको कुछ नहीं कहेगी। मिस्टर कौन है? मिस्टी बेटा, तू डरा दे आते ही दादा दादी को, प्यार कैसे मिलेगा फिर तेरे को? अरे मिस्टी बहुत तंग। मम्मी तौलिया सूट दो, रख दूं यही? अच्छा मिष्टी क्या है ये? पापा की जुराब ले आए हैं, व्हाट इज दिस? पापा की सॉक्स सेट। गुड गर्ल, हाय, हैंडशेक करके दिखाओ। वेरी गुड टैलेंट, देखो अब दोस्त को ना पापा को हैंडशेक करो। वेरी गुड। ओ भाई एटम किधर है? ओए एटम नहीं मिल रहा, एटम, ओरे एटम मिल गया, एटम तो ये रहा दादू के बैग पे, यहीं पे शोई शोई कर रहा है। काउशी काउशी छोनिया को है, काउशी सोच मम्मी उठा दी। माँ बेटा दुख सुख करते हुए, और ये बाहर लड़की दुख में कि भाई मुझे बंद क्यों किया, खड़ी हुई है, देख रहे हो? बेटा आराम से, आराम से डाउन, चलो गुड गर्ल, बाहर निकाल दूंगी नहीं तो। नो नॉट विद दादी, दादी कान चाटती सुबह। शुक्र मना कि मैं पिछले बोगी ने को आवाज का बहुत खुश उतर गया, और भूपत ना अपनी को भूपत को आगे फिर पापा अलग, तू अलग थी। मैं क्यों थी तो बताओ नहीं, मैं बोगी का हाथ पकड़ का इशू मेरे तो है ना गया। अब तेरे पापा कुली बाल दी, तेरे पापा तो एक गया कुली भी गिर गया सामान समेत। पता है पता है। हां बस बस यार, कुली भी तेरा बहुत होता है, उसको भी बेचारे का तो चोट लग जाती, उसको बाल तो आगे जितने भी आप देख रहे हो कम हुए हैं, सब मैंने खाए हैं यार, 2 घंटे के अंदर अंदर क्या करूं, ये तो वाला खाना है, क्या करूं अभी, डब्बा या तो तू खत्म कर दे फिर, सच्ची में किसी को तो खत्म करना पड़ेगा तभी छोड़ूंगी मैं। अभी जाओ, कहाँ जाओगे अब, बेड के नीचे ड्रॉर्स लग गए, अब कहाँ जाओगी?
बेइज्जती होगी। मिस्टी को हम जब भी डांटते हैं ना या कुछ भी बोलते तो मिट्टी मिट्टी कह रहा हूँ, मिस्टी जल्दी से भाग के ना बेड के नीचे घुस जाती है। ये यहाँ पे घुस जाती थी। आज आ गया था कारपेंटर बॉक्सेस के लिए, तो आज लग गए बॉक्सेस। भाग के तेज स्पीड में अंदर जाने के लिए। ये क्या है, जगह ही नहीं मिली, जगह नहीं मिली जाने। मिस्टी अब कहाँ छुपेगा तू पापा की डांट से? मिस्टी को कहीं नहीं, कहाँ छुपेगा? मिस्टी शेर दिल है, शेर दिल मिस्टी कहाँ छुपेगा मेरा शेर ना? बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। दोपहर हो चुकी है, लंच कर लिया सबने और हम लोग सब लोग लेट रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर। और मुझे थोड़ी दर्द महसूस हो रही है, थोड़ी नहीं थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ी सी थोड़ी ज़्यादा महसूस हो रही है दर्द, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे पेन किलर्स बंद कर दिए हैं। तो अब मुझे दर्द महसूस होती है, तो अब हम इसलिए थोड़ी देर आराम करेंगे एक घंटा, विच आई डोंट वॉन्ट टू डू एक्चुअली। मैं चाह रही थी कि ड्रॉर्स लग जाएँ अगर, तो ड्रॉर्स के अंदर जो सामान हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम रखेंगे तो वो रख लिया जाए, लेकिन कमलजीत राणा हैज़ बिन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ फस इन द हाउस के नहीं करना। यू आर अ फसाड़, यू आर अ फसाद। देख वो देख, वो देख तेरा राज दुलारा बाहर से चीखे मार रहा। मैंने बोला था उसको बाहर मत छोड़ के, मुझे लगा दादा दादी के पास है तो इसलिए शायद कुछ नहीं करेगा। पापा ना बोल, कहीं भी नहीं है वो। अटू मम्मी तंग तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं वो है भी नहीं दूर दूर तक। मिस्टी व्हाट इज दिस मामा'स पैंट्स, व्हाट इज दिस मिस्टी? आज बनी घर में मीठी लस्सी पापा की फरमाइश पे, और तुमने बोला था तुम पियोगे नहीं, बट पी रहे हो। आई एम वेरी हैप्पी पी रहे हो। आई एम बिग फैन ऑफ लस्सी। मैं तो नहीं पीऊंगा, मैंने बोला 5 ग्लास बना ले रंजीत, मैं नहीं पीऊंगा। 5 क्यों बनवा रही हो, अब क्यों पी रहे हो? मेरे लिए तो बनवाती नहीं ऐसी चीज। नहीं कोको, मैं तो चाह रही थी बाबू तू पिए यार, आई रियली वांटेड यू टू हैव। मैं एग्जैक्टली 4 बजे इस कमरे में आई थी ये सोच के कमल और मैं कि 4 से 5 बजे तक एक घंटा हम लोग सो जाते हैं, और इस वक्त टाइम हुआ है 4:24 एंड नाउ आई हैव सेटल्ड इन बेड, क्योंकि बिकॉज ऑफ मतलब जो भी ऐसे डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसकी वजह से धीरे धीरे चेंज किया, धीरे धीरे करके 24 मिनट लगे मुझे सेटल होते, और अब ऐसे लग रहा है आधा घंटा ही तो रह गया, अब क्या सोऊंगी। मधुमक्खी समझते हो आप लोग, मधुमक्खी कैसी स्पीड से घूमती ना इधर उधर, तो अगर उस मधुमक्खी को आप शराब पिला दो तो वो भिनकनी तो चाहती है लेकिन बहुत स्लो भिनकती है। वही हालत इस लड़की की। आई हैड टू चेंज, चेंज में मुझे एक तो इतनी दिक्कत ये हो रही है, इतना बड़ा स्ट्रगल होता है, सुन तो, इतना बड़ा स्ट्रगल मेरा ये होता है, मुझे वो चीज़ ढूंढनी होती है पहनने के लिए जो मुझे मेरे स्टमक पे कंफर्टेबल होगी, और अब मुझे दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन करना है कि कंफर्टेबल भी हो और मम्मी पापा के सामने पहने बुरी ना लगे, वो उस हिसाब से मैं सोच रही थी। एनीवे और ऊपर से कोई छोटा सा काम भी करते हो सांस बड़ा चढ़ जाता है, जैसे पता नहीं कितना काम कर लिया। वो तो मैं कर लेती, घर संभालने में मैं हमेशा वो हूँ। अभी सोने दो यार। ओके गुड नाइट। 4:30 तो हो गए, और ऊपर से इतने मतलब सदियों बाद आज हम साथ में लेटे हैं क्योंकि दादा दादी बच्चे संभाल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि रात को आई स्लीप अलोन। बाय द वे आई स्लीप अलोन बिकॉज यू टेक 24 मिनट्स टू स्लीप, बिकॉज रात को अगर मैं बच्चों के साथ सो गई तो फिर बच्चे हो सकता है नींद में मेरे ऊपर चढ़ जाएं, और एटम को तो बहुत भ्रमण करने की आदत है, कभी कहीं उसे सोना है, कभी कहीं लेटना है, कभी कहीं लेटना है, तो इसलिए बच्चों को तो अलग सुला नहीं सकते, बच्चे तो खड़का खड़का के वो कर देंगे कि कहाँ गए, हमें क्यों अलग कर दिया, तो इसलिए फिर कमल उनको लेके सोता है और मैं अकेली दूसरे कमरे में सोती हूँ। आज ये हमें वो हो गया कि मम्मी पापा बच्चों को देख रहे हैं और मैं और कमल एटलीस्ट वी आर एबल टू लाई डाउन टुगेदर। बेसिकली हमारे बच्चों को अगर कोई दिखता नहीं है तो वो रोने लग जाते हैं। हाँ, अगर क्या है, कुत्ते हमारी सेफ्टी के लिए, हम उनकी सेफ्टी के लिए, समझ ही नहीं आता हम लेकर क्यों आए। लो जी गेस्ट्स आर अराइविंग, अभी अभी मुझे मैसेज आया कि नहीं का, तो वो लोग आ रहे हैं तो अभी उठना ही पड़ेगा। और कमल, मैंने बोला कमल उठ ही जाती हूँ, कह रहा इस हिसाब से कितनी देर में आ रहे हैं, मैंने कहा शायद 15-20 मिनट में, कह रहे इस हिसाब से तो तुम उठ जाओ, इतना टाइम तो तुम उठने में लग जाएगा। मजाक उड़ाते हो मेरा, मजाक उड़ा। ये हरियाणा में कुछ तो चल रहा है, मम्मी पापा देख रहे हैं। न्यू के देखस है सही है कौन सुनो और ना था। मिस्टी को तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये कहां आ गई, क्या हो गई, इतने सारे बिस्किट कैसे दे दिए। दादी के राज में ऐश हो गया मिस्टी का, मैं मना करती रही, मम्मी कह रही कुछ नहीं होता, दे दिए बिस्किट दोनों बच्चों को। हैं अट्टू मिस्टू हैप्पी? परहेज मत करो बेटा, खा लो थोड़ा सा। मम्मी कह रही कुछ नहीं होता दे दो। हैं मिस्टू बहुत सारे बिस्किट मिल गए। डिनर में आज
पालक पनीर की सब्जी, उसके लिए पालक उबल रही है और साथ में बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये आम की सब्जी बनाई है। क्या बात है, इतनी स्वाद बनी है, मजा आ गया। इफ यू वॉन्ट द रेसिपी ऑफ दिस लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। हेलो गाइज, चेकिंग इन आफ्टर फ्यू आवर्स। डिनर का किसी भी चीज़ का कुछ व्लॉग नहीं हो पाया बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो गई थी इकट्ठी। तो एनीवे मैंने सोचा एंडिंग कर देती हूँ व्लॉग की अच्छी सी कि और आप लोगों को अच्छे से बाय बोल देती हूँ। सो या आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग। इसके लिए इतना ही। अभी मैं अपने बेड पर सेटल हो चुकी हूँ, सब लोग अपने अपने बेड पर सेटल हो चुके हैं और मैं अकेली ही सो रही हूँ बिकॉज कमल ने बोला कि भाई रिस्क नहीं लेते, मैं अलग ही सोता हूँ कहीं बच्चे यू नो। तो या आई एम स्लीपिंग अलोन ओनली एंड या दिस इज इट। आई रियली होप दैट यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग। लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई एम गोना सी यू गाइज सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।